प्रभात, हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं और कल हमने शिरोविरेचन के अयोग्य कौन से रोग रोगी होते हैं ये हमने देखा है और ऐसे उन अयोग्य व्यक्तियों को नश्य देने से उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये भी हमने देखे हैं। आज हम शिरोविरेचन के योग्य रोगी कौन है ये पढ़ने वाले हैं। शेषाहा तु अर्हाहा विशेषतः तु शिरो दंत मन्या स्तंभ गल हनु अनुग्रह पीनस गलशुंडिका शालुक शुक्र तिमिर वर्त्म रोग व्यंग उपजीविका अर्धाव भेदक ग्रीवास्कंध। आस्य नासिका कर्ण अक्षी मूर्ध कपाल शिरोरोगार्दित अपतंत्रक अपतानक गलगंड दंतशूल हर्ष चाल अक्षिराजी अर्बुद स्वरभेद वाग्रह गदगद क्रथनादयहा मूर्ध्वजत्रुगताहा च वातविकाराहा परिपक्वाहश्च एतेषु शिरोविरेचनं प्रधानतमं इति उक्तं। तद् हि उत्तमांगं अनुप्रविश्य मुञ्जात् ईशिकां इव आसक्तां केवलं विकारकरं दोषं अपकर्षति। तो जो व्यक्ति शिरोविरेचन के अयोग्य कहे गए हैं उनके अतिरिक्त अन्य लोगों को नस्य देना चाहिए। विशेषतः शिरोरोग दंतरोग मन्यास्तंभ गलग्रह अनुग्रह पीनस गलशुंडिका कंठचालु शुक्ररोग तिमिररोग वर्मरोग वर्त्मरोग व्यंग उपजीविका अर्थाव भेदक ग्रीवा स्कंध औस प्रदेश मुख नासिका कर्ण नेत्र और शिरक कपाल के रोग शिरोरोग अर्दित अपतंत्र अपतानक गलगंड दंतशूल दंतहर्ष दंतचाल अक्षिरोग अर्बुद स्वरभेद वाणी की रुकावट अस्पष्ट भाषा क्रथन आदि तथा ऊर्ध्वजत्रुगत रोग एवं पुराने वात रोगों में शिरोविरेचन या नस्य देना चाहिए। इन रोगों में शिरोविरेचन सबसे प्रधान उपचार कहा गया है। यह शिरो भाग में प्रविष्ट होकर सिर में विकार उत्पन्न करने वाले समस्त दोष को निरापद रूप से निकाल देता है। जैसे पूंज से उसकी सीख निकाल दी जाती है और पूंज पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह नस्य से निरापद रूप से दोष बाहर निकल जाता है। टीका में क्या लिखा है देखते हैं। शिरोदंतेन इत्यादिना विशेषेण शिरोविरेचन अर्हान आह। तो शिरोविरेचन अर्ह जो है उनको उनका यहाँ वर्णन किया है। शिरोदंत मन्या भी स्तंभ शब्द संबंधित। स्तंभ शब्द शिर और
दंत, शिरस्तंभ, दंत स्तंभ, मन्या स्तंभ, ऐसा उसका संबंध लगाना है। पीनसः अत्र पक्व प्रतिष्ठायाः, प्रतिष्ठाय जब पक्व होता है तब उसको उसको पीनस कहते हैं। तरुणे च प्रतिष्ठाये शिरोविरे निषेधयति, तरुण प्रतिष्ठाय नव प्रतिष्ठाय में शिरोविरेचन नहीं करना है, पक्व प्रतिष्ठाय में शिरोविरेचन करना चाहिए। अपतंत्रक अपतानक का भेद एव निस्संज्ञः, उक्तम ही निस्संज्ञः सा अपतंत्रकः। अपतंत्रक ये अपतानक का भेद है, उसमें संज्ञा हानि होती है। शून हर्ष चाला दंतेन संबंधते, शून हर्ष और चाल ये तीनों शब्द दंत से जोड़ाने चाहिए, दंत शून, दंत हर्ष और दंत चाल, इसमें नष्ट करना है। अक्षिराजी का मतलब है नेत्र राजी, ये नेत्र रोग विशेष है। वातविकारे अपि अत्र विरेचनम, स्थान संबंधागत श्लेष्म वात हंतृत्वेन एव उपपन्नम, यह वात विकार है लेकिन शिरोविरेचन बताया है, तो यहाँ का जो स्थान है वो कफ प्रधान स्थान है, इसलिए शिरोविरेचन बताया है जो वातहर है, वात हंतृत्वेन उपपन्नम। मुञ्चात् ईशिकां युवासक्तामिति, मुञ्चात् शरावाद यथा ईशिका शरीका आसक्ता पृष्ठते, मुञ्चात् उपघातेन तथा शिरसि पक्वो दोषो ह्रियते इति अर्थः। तो सिर्फ दोष को ये शिरोविरेचन से बाहर निकलता है, वहां के जो अवयव है उसको कोई भी आघात या उसका कोई हानि नहीं करता है। शरत वसंते वसंत वसंते तरेषु आत्यकेषु रोगेषु नावनं कुर्यात्, कृत्रिम गुणोपधानात् ग्रीष्मे पूर्वाह्ने शीते मध्याह्ने वर्षासु अदुर्दिने च इति, अनृतौ शिरोविरेचन निषिद्धं। तो ऋतु के अनुसार जब सम्यक काल होता है तब शिरोविरेचन करना चाहिए। अवस्था वशेन तद विधानम आहो प्रवृत्त इत्यादि, इतरेषु इति हेमंत ग्रीष्म वर्षासु, आत्यकेषु इति वचनाद आत्यकेषु गदेषु निषेध। लेकिन जहां जब आत्यक अवस्था होता है तब जो उसका काल नहीं है उस काल में भी नस्य दे सकते हैं। अति के अपि शीतादि प्रतिकारार्थम आहो कृत्रिम गुणोपधानादिति, कृत्रिम गुणोपधानम रोग विशेष तो उत्तम कर्तव्य। तो जब तो अनुकूल ऋतु हो नहीं होता है तो जो ऋतु आवश्यक है उस ऋतु के लक्षण निर्माण करके उसी तरह का वातावरण निर्माण करके नस्य करना चाहिए। ग्रीष्मादुष एव काल विशेषेण औष्ण्यादि प्रतिक्रियां धर्तयना ग्रीष्मे पूर्वाह्ने। तो नस्य का काल के बारे में यहाँ बताया है, प्रावृत शरद और वसंत ऋतु में नस्य देना चाहिए। प्रावृत जो वर्षा काल है, वर्षा काल का
वर्षा ऋतु का प्रारंभिक काल जो है उसको प्रौढ़ बोलते हैं। तो प्रौढ़ शरद और वसंत ये ऋतु में नश्य देना चाहिए, किंतु किसी संकट काल में इन ऋतुओं के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में उनके दुष्प्रभाव को कृत्रिम गुणों द्वारा हटाकर नश्य देना चाहिए। तो प्रौढ़ शरद वसंत छोड़कर जो ऋतु होते हैं उस ऋतु में हेमंत ग्रीष्म वर्षा, इस ऋतु में जब संकट काल होता है अत्यधिक अवस्था होता है तो देना चाहिए। और उसमें वहां जो गुण आवश्यक है नश्य के लिए ऋतु के गुण, वो गुण निर्माण करके नश्य देना चाहिए। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के पहले, शीत ऋतु में दोपहर में और वर्षा ऋतु में जब आसमान में बादल न हो और दिन साफ हो तो नश्य देना चाहिए। तो इस तरह नश्य का काल भी यहां बताया है। अभी उपसंहार करते हैं। इति पंचविधम कर्म विस्तरेण निदर्शितम्। इति पंचविधम कर्म विस्तरेण निदर्शितम् एभ्यो यन्नहितम् यस्मात् कर्मेभ्यश्च यद्हितम् न चैकान्तेन निर्दिष्टे व्यर्थे अभिनिवेशे बुधः स्वयं अप्यत्र वैतेन तर्क्यं बुद्धिमता भवेत् उत्पद्येत हि सावस्था देशकाल बलं प्रति यस्यां कार्यम अकार्यम स्यात् कर्म कार्यम च वर्जितम् छर्दि रुद्रोग गुलमानां ममनं स्वे चिकित्सिते अवस्था प्राप्य निर्दिष्टम् कुष्ठिनां बस्ति कर्म च तस्मात् सत्यपि निर्देशे कुर्याद् वैह्य स्वयं धिया विना तर्केण या सिद्धिर् यदृच्छा सिद्धिरेव सा। इस श्लोकों में महत्वपूर्ण सिद्धांत और वैद्यक का क्या कर्तव्य है इसके बारे में भी बताया है। अध्यायार्थ संग्रह अभिधाय वमनादि विषयत्वेन तथा वमनादि विषयत्वेन च प्रतिपादते वमनादि निवृत्ति प्रवृत्ति निश्चयम् निषेधयन आह न च एकांतेन इत्यादि। तो ग्रंथ में लिखा है ऐसा विचार करके एकांतिक विचार नहीं करना चाहिए। कभी कभी वमन जिसको नहीं देने के लिए बताया है उस रूप में भी वैद्य ने स्वतः चिंतन करके विचार करके वहा वमन विरेचन आदि पंचकर्म करना चाहिए ऐसा यहाँ बताया है। एकांतिक विचार नहीं करना चाहिए। अभिनिवेश निश्चयम कुर्यात् तर्क्यमिति अनुक्तम अपि वहनीयम्। तर्क का अर्थ क्या है कि जो बताया नहीं है उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में योग्य चिंतन करके योग्य विचार करके कृति करना उसको तर्क बताया। तो वैद्य को वैद्य ने तर्क करके जो अनुक्त विषय है उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमते इति वचनेन अबुद्धिमताम् अनुक्तयम् निषेधयति उक्तम् हि तस्मात् बुद्धिमताम् उहापोह वितर्काः अल्पबुद्धेस्तु यथोक्तम् अनुगमनमेव। जो बुद्धिमान है उसने ये उहापोह वितर्क ये सब करना चाहिए, लेकिन जो जिसके पास बुद्धि नहीं है उसने यथोक्तम अनुगमनमेव
देशादिभेद कुत इत्यर्थः, जो जिसके पास बुद्धि नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, उस वैद्य ने जो ग्रंथ में लिखा है वैसा खाना है, वही उसको श्रेयस्कर है। अथ किमर्थम यथोक्ता यथोक्त अनुगमन वही श्रेय इति, तथा किमर्थम एकांतावधारणम न कर्तव्यम इति आह उत्पद्य इत्यादि। देशकाल बलम प्रतीति देश भेद कृता इत्यर्थः, कार्यम अकार्यम स्यादिति, कर्तव्यतया उक्तम अकरणीयम स्यादिति, तथा वर्जितम च यत् कर्म तत् कार्यम स्याद् अवस्था विशेषा। वर्जित कर्म भी अवस्था विशेष में करना पड़ता है। बुद्धिमान वैद्य जब विचार करता है तो योग्य निर्णय लेकर वो वर्जित कर्म भी उस रुग्ण में कर सकता है। निषिद्धस्यैव अवस्थावशात् निषिद्ध विधान उत्सर्ग अपवाद इति अविरोधम दर्शयति, एवं अन्यत्र अपि अपवाद विषये वमनादि विधानम अवस्था विशेष परतया समाधेयम्। तो जहाँ जहाँ अपवाद बताए वहाँ भी अवस्था विशेष ता ध्यान में देखकर वहाँ भी शोधन कर्म करना चाहिए। न्याय उपादित मुक्तम च अर्थम उपसहरणाह तस्माद् इत्यादि, शास्त्रोपदेशे सति अपि स्वबुद्ध्यवशात् शास्त्रानुगततया अनुक्तमपि कर्तव्यम्। तो शास्त्रोपदेशे शास्त्र में कभी कभी ये नहीं करना है ऐसा बताया जाता है, लेकिन स्वबुद्ध्या वैद्य शास्त्रानुगत अनुक्तम अपि कर्तव्यम्। तो यदि योग्य वैद्य रुग्ण के लिए हितकर है तो शास्त्र में नहीं बताया है तो भी वैद्य ने करना चाहिए, ऐसा इधर बताया है। यदुक्तम प्रकरणमिव भिक्षुकस्य बीजमिव कर्षकस्य सूत्रम बुद्धिमताम अल्पम अपि अनल्प ज्ञानाय भवति। तो बुद्धि का उपयोग वैद्य ने करना चाहिए। तो इस पंचकर्मिया सिद्धि नामक अध्याय में इस प्रकार पंचकर्म का विस्तार पूर्वक